नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दोस्तों 25 जून को अब हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने की बात। वहीं राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के समर्थन में आते हुए एक बड़ी पोस्ट कर दी, यानी भाजपा की नेता स्मृति ईरानी की अमेठी से हार हुई है और राहुल गांधी अब उनके समर्थन में उतरे हैं। क्या है जानकारी, क्या है ये बड़ी खबर, दोनों आपको बता दें। लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी करें। हेडलाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आप स्मृति ईरानी के समर्थन में राहुल गांधी को लेकर बता दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भद्दे और अभद्र कमेंट करने वालों के लिए रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने वार्निंग देते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की चेतावनी भी दी है और दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह भी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आई है, मोदी सरकार का फैसला है हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी, लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया था और अमित शाह गृह मंत्री हैं जो उन्होंने आपातकाल को लेकर अब ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा।